ये कॉन्सेप्ट ही जब मुझे पता चला कि रेल पे ट्रेन के अंदर ऑपरेशन होते हैं, तो मैं बड़ा क्यूरियस था कि देखने के लिए, और उस क्यूरियोसिटी की वजह से मैं इस ट्रेन पर आया। The basic concept of Lifeline Express is people cannot reach to hospital. Hospital should reach to people and cater the public health services in India. बिल्कुल दूर जहाँ कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं रहती है, वहाँ पर ये ट्रेन मरीज के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है और वहाँ हम लोग इस रेल पे ऑपरेशन करते हैं। मैं करीब 10 वर्षों से लाइफलाइन एक्सप्रेस पर आ रहा हूँ और मैंने अभी तक कम से कम 16 कैंप इसमें किए हैं, 8 से 10 दिन जो लास्ट करते हैं। As soon as Lifeline Express reaches to a particular station, the people understand the concept of it. They understand the quality of healthcare services are being delivered by Lifeline Express. They can make out that it's a world's first hospital train. So they just jump on the opportunity. They look for their number as soon as possible so that they can be treated on urgent basis. Or जो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि गरीब से गरीब पेशेंट, जो जिसके पास में, मरीज़ के पास में इतनी गरीबी है कि वो किसी अस्पताल पे जाकर के अपना इलाज नहीं करा सकता, उसके दरवाजे पे जाकर के ट्रेन खड़ी होती है और सारी व्यवस्थाएं जो हैं ट्रेन के अंदर हाई क्लास ऑपरेशन की रहती हैं और उनसे एक भी नया पैसा कहीं पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं किया जाता है। Lifeline Express develops a bond between the people who are serving them and the people are being served. And once they understand that Lifeline Express will leave this location after one day or two days, they do say that don't go from this railway station because a lot of people are being yet to serve. Operations ke liye yahan par jo patient aate hain aur wo itne zyada utsuk hote hain ki unka operation ho jaye, और हम लोगों की भी लिमिटेशन होती है, एक दिन में हम लोग 15 से 20 ऑपरेशन कर पाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि 15-20 साल 18 साल का एक बच्चा था जिसके के कान का ऑपरेशन होना था और किसी वजह से उसका शुरुआत में नहीं हो पाया, तो वो बच्चा गाड़ी के पीछे अपनी फाइल लेकर के दौड़ने लगा, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था रुकने के लिए। जब हम लोगों ने गाड़ी रोकी तो वो पास में आकर के हाँफते हुए रोने लगा, उसकी आँखों में आंसू भरे हुए थे और वो बोल रहा था कि मेरा ऑपरेशन अगर आप लोग कर देते तो कर देते, मैं बहुत गरीब हूँ, इसके बाद मेरे को कोई उम्मीद नहीं कभी मेरा ऑपरेशन हो पाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे गरीब मरीज जो रहते हैं, वह किस्सा मुझे आज तक बहुत अच्छे से याद है और इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने दिन का यहाँ हमारा स्टे रहता है उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग केसेस कर सकें वो हम लोग करना चाहते हैं। लॉट ऑफ पीपल से इट एज अ जादू की गाड़ी, जादू की गाड़ी आई है और इसमें हमारे सारे जो दुख दर्द हैं उनको ले लिया है और हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाया।